आपका स्वागत है बॉलीग्राड की नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं सलमान खान की फिल्म रेस 3 की कहानी बताने वाला हूँ। सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है का खुमार अभी उतरा नहीं कि उनकी दूसरी फिल्म रेस 3 की चर्चा चारों ओर शुरू हो चुकी है, जो आजकल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर इस फिल्म की खबरें छाई हुई है। आप सब ने रेस 1 और रेस 2 फिल्म देखी होगी जिसमें सैफ अली खान लीड रोल में थे, तो रेस 3 की शुरुआत भी सैफ अली खान से होगी, जिनका मूवी के अंदर नाम रणवीर सिंह है। उनको एक मिस्टीरियस आदमी ने मार दिया है और अब रॉबर्ट डिकोस्टा यानी अनिल कपूर उनके सारे पैसे ले लेते हैं और एक स्मगलर बन जाते हैं और बहुत जल्द टर्किश पुलिस की पकड़ में आ जाते हैं। उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। अब रणवीर सिंह मीन्स सैफ अली खान का फिर से जन्म होता है। अबू धाबी के एक मिलेनियर फैमिली में एज ए रोहन शर्मा और यहां से स्टोरी 30 साल आगे चली जाती है और रोहन शर्मा एक बड़ा आदमी बन जाता है जिसका रोल कर रहे हैं सलमान खान। अब रोहन शर्मा अपने डैड जिनका रोल प्ले कर रहे हैं फ्रेडी दारूवाला से सारी कंपनी के भाग दौड़ को अपने अंडर ले लेते हैं और इस कंपनी का पार्टनर भी है जिसका नाम है दर्शन ठाकरे, जिनका रोल प्ले कर रहे हैं बॉबी देओल। अब दर्शन ठाकरे भी रीवर्थ है राजीव सिंह का, मतलब अक्षय खन्ना का, जिनको आपने रेस 1 में देखा होगा। अब दोनों को अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता है कि पिछले जन्म में भाई थे। अब स्टोरी में आगे ये पता चलता है कि रणवीर सिंह को यानी सैफ अली खान को और किसी ने नहीं अरमान मलिक ने मारा था, मींस जॉन इब्राहिम को, जिनको रेस 2 में देखा होगा। जॉन इब्राहिम को अनिल कपूर, जो अभी टर्किश पुलिस की जेल में है। अब अरमान मलिक का एक बेटा भी है जिसका नाम है आश्रय मलिक, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं शाकिब अली। अब उन्हें अपने डैड के मौत का बदला लेना है रॉबर्ट डिकोस्टा से, पर वो जेल में। जैकलीन एक लेडीज पुलिस का रोल प्ले कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही इंफॉर्मेशन आई है कि रेस 3 के विलेन है आदित्य पंचोली, जिनको आपने रेस 2 में देखा होगा। उन्होंने गॉडफादर का रोल प्ले किया था रेस 2 में। रेस 3 फिल्म की स्टोरी है, संभावना है कि रेस 3 फिल्म रिलीज हो सकती है ईद 2018 में और ईद है 14 जून को। उम्मीद की जा सकती है कि ये फिल्म इसी के आसपास रिलीज होगी और लोग कायस लगा रहे हैं कि ये फिल्म टाइगर जिंदा है की तरह ब्लॉकबस्टर साबित होगी।